हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी आप देख सकते हैं सुबह के 6:50 हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने सुबह किचन में गर्मा गर्म मसालेदार चाय बनाने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर चाय बन रही है और उसके साथ साथ ही हमने बाहर वॉश एरिया में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिए, जो कपड़े वॉश हो रहे हैं। अभी आप बाहर का मौसम देख सकते हैं, अंधेरा है और थोड़ा थोड़ा फॉग भी लग रहा है, सर्दी सुबह है। ये हनी का स्कूल है, उसको मैं लेने आया हूँ। उसके अभी अंदर एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऐसे तो टाइम हो गया, शायद अभी और 10 मिनट अगर उसको दिया है एग्ज़ाम के लिए शायद, इसीलिए मैं उसका वेट कर रहा हूँ। उसको आज लेके जाना है क्योंकि वो थोड़ा बीमार है, इसलिए। हनी और मैं आ गए हैं, हनी को स्कूल से लेके आ गया क्योंकि उसका 1 घंटे का मैथ का एग्ज़ाम था। तो मैं एग्ज़ाम अटेंड करके लिया, बाकी क्लासेस वगैरह नहीं अटेंड किया क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। कल से 48 आवर उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए बोला है। और अभी इसको स्कूल जाते वक्त भी 9 बजे इसको स्टीम दिया था और अभी आते हुए भी एक बार दे के आया। फिर बाकी घर पे ही देंगे क्योंकि घर पे कल देने का दे रहे थे, लेकिन मशीन पता नहीं ख़राब हो गया। ये मशीन पता नहीं सुबह कल तो चली थी लेकिन अभी ख़राब हो गया है। अभी इसको फिर दोबारा चेंज करके लेके आना है, फिर लेके फिर उसको घर में ही फिर स्टीम देंगे। फिर अच्छा लग रहा है अभी? प्लीज अभी रुको ना, अभी टाइम होता है ना बेटा, उसका टाइम टाइम में डालना पड़ता है ना उसका। अभी तो फिनिश किया ना एक, अभी तो लिया तुमने स्टीम, ठीक है उसको अभी ना 7 बजे लेंगे, ठीक है। बोल रही और दो, आई वॉन्ट मोर, उसको अच्छा लग रहा रहेगा ना उससे कुछ शायद। चलो पहले से तो बेहतर दिखा बेटा, है नी? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर? आई वॉन्ट मोर प्लीज। यू वॉन्ट मोर? तो बेटा अभी 1 घंटे के बाद, और ये प्लीज अभी देंगे, चाय पी लो फिर उसके बाद देंगे, ठीक है। अभी कैसा लग रहा है तबीयत, गुड और बैड? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कोल्ड हो गया। कोल्ड हो गया बेचारी, वहीं रखो बेटा, नहीं छुओ वो तो यूज करना है अभी, ठीक है। ये सब इसके मेडिसिन। चलो अब कुछ खाते हैं। हम लोगों ने तो लंच भी नहीं किया, सब ऐसे नींद आ रही थी सबको, लेट ब्रेकफास्ट हुआ था। ब्रेकफास्ट खा के अच्छे से सो गए थे और देखिए 6 बज रहा है और अब बस खाते हैं कुछ, तो अभी भूख लग रही है। आज तो कुछ खाना भी ढंग से नहीं बना, तो बस मैं ये चाय पराठे ही बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा वो खा लेते हैं, फिर रात में खाएंगे कुछ। तबीयत ही ठीक नहीं, चाय और गरम गरम पराठे। और हनी को थोड़ा सा जनरल नॉलेज पढ़ा रहे हैं, कल उसका जनरल नॉलेज का एग्जाम है। पापा हॉट है तो हनी क्या है, कोल्ड? दिखाओ पेपर दिला के ले आएंगे। हनी कैसा था पराठा, यम्मी कि बैड? क्या क्यों मेरे पराठे की? अरे पराठा बैड था कि अम्मी? अच्छा कहाँ मखाना यार, वो टैडी है। अच्छा हनी और चाहिए पराठा? नहीं। क्यों? पेट भर गया। पेट और ले लो, एक और बन रहा है। नहीं। सच में एक और ले लो ना। नहीं। क्यों, व्हाई? पेटू भर गया? नहीं। पेट भरा कि नहीं? भरा। अच्छा। नहीं। अच्छा इसने हॉस्पिटल में किसी को देखा होगा तो वही आके बोल रही है अंकल ने कॉटन लगाया। कान में लगाया था? खोलेंगे, खोल देंगे ना आप। उनका हाँ हर्ट हो गया, चोट लग गई ना उनको, ठीक है। कोई बात नहीं, मेडिसिन देके ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। कॉटन लगाया? हाँ लगाया, कोई बात नहीं। ऑन का अपोजिट अंडर। ये चटनी की तैयारी हो रही है, ये तिल को थोड़ा हम रोस्ट कर रहे हैं और साथ साथ में आप ये देख सकते हैं कि ये जो है कद्दू के बीज है, जो कद्दू से बीज निकलते हैं उसको हमने ड्राई कर दिया और इसको भी हमने क्या है उसको रोस्ट करके इसको पीसने के लिए ग्राइंडर में डाल दिया और साथ साथ में इसमें टमाटर डाला जाएगा और टेस्ट के हिसाब से मिर्ची और नमक वगैरह डाला जाएगा।
अभी तिल और जो कद्दू के बीज थे उसको हमने ग्राइंडर कर दिया। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और फिर इसको फिर ग्राइंडर करेंगे। चलो अभी ये चटनी तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हो चटनी ग्राइंड हो चुका है। तो हमें एक बार इसका नमक थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। नमक थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा नमक डाल के फिर एक बार ग्राइंड कर लेते हैं इसको। अनी आओ जय जय कर लो, आओ बेटे जय कर लो, बोलिए अच्छे से जय कर लो। मम्मी गाइस व्हाट्स दिस, व्हाट्स दिस, अभी बताती हूँ, पहले जय तो कर लो। ये क्या है? जान। हाँ चलो जय करो। जय जय बोल। गणेश भगवान की जय, दुर्गे माता की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुंह तो इस तरफ करो जय करते, तो आप उधर देख रहे हो, शीशे में देख रहे हो। चलो आ जाओ और डॉक्टर चेकअप अभी करेंगे। ये बोल रही है इसे बोल, हाँ हाँ देते हैं, बोल रही है कि मुझे स्टीम दो, बोल रही है हाँ, तो पेटू दर्द हो गया, डॉक्टर चेकअप इस टीम चाहिए, तो बोल रही डॉक्टर चेकअप। तो कौन है, तो कौन है, तेल रख दिया है, हनी की डिमांड है पूरी, तो पूरी विद चाय एंड यहाँ पे चटनी बनाई है इन्होंने तिल की, तो यही खाएंगे। नहीं तो शायद ये नहीं खाएगी, ट्राई करेंगे। तो चाय के साथ, चाय अच्छी अदरक वाली बना रही हूँ, तो उसको गले में थोड़ा अच्छा ना लगेगा, रिलीफ लगेगा थोड़ा कफ से। और यहाँ बनेगी पूड़ी, चलो शुरू करते हैं। इसको फिर से स्टीम देने के लिए मेडिसिन डाल रहे हैं। ये भी पानी हो गया ना वो। बेटा आप मत करो, अपने से रॉन्ग हो जाएगा कुछ, ये रॉन्ग है, ये बच्चे नहीं करते ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं। छोड़ो, डोंट टच इट, आपने नहीं छोड़ो, ये डालना है जी, अपने आप ही मत करो, डॉक्टर ना बनो बेटा आप, आप मी पापा कर लेंगे ठीक है। अच्छा ये एक ट्यूब होगी, डालने की पूरी रहती है क्या, कितना, एक एम एल, कितना, दो एम एल, कैसे ये पूरी मेडिसिन इसमें डालते हैं, दो एम एल का उतना ही स्टीम लेना पड़ता है। अच्छा चलो ये लोग कर लेंगे अपने आप। चलो अभी मेरा और हनी का डिनर हो चुका है, अब ये हमारा पॉम्पलिन और ये मखाना वाला दूध अभी लास्ट, अभी इसके बाद दूध पियेंगे फिर सोने की तैयारी करेंगे फिर।